थर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको वो स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको वो छोटा नंबर पता करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है 4802। बाकी के जो ऑप्शन हैं आपको सेम इसी मेथड से करना है और सबका आंसर आएगा अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो। आपको इसको उस छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको एक ऐसा नंबर पता करना है जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फिर द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है जो आपका नंबर आएगा, ठीक है, तो आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बोलिए या कुछ भी बोलिए, आपको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो लास्ट डेट 2 है तो हम 2 यूज़ करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 0 0, 2 1 2। अब ये किससे जाएगा, ये अब जाएगा डायरेक्ट 7 से, ठीक है, 7 से 21 का 3, तो 7 4 28 और 7 3 21। अभी फिर से किससे जाएगा, 7 से जाएगा 49 बार में, ये जाएगा 49 बार में, 7 4 28 और 7 9 63। अब 49 किससे जाएगा, 7 से, 7 7 49, आप फिर से लिए 7 1 7। तो हमारा क्या आया, इसका स्क्वायर रूट देखेंगे आप, अंडर रूट 4802 का स्क्वायर रूट कितना आया है, आना चाहिए था 2, एक अकेला है, 7 × 7 × 7 × 7। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि ये दो पेयर में, ये दो पेयर में है, 2 हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूछा था आप किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दीजिए, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 ही कमी है। तो 4802 × 2 कितना आएगा हमारा, 9604। ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें कीजिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नंबर आया है 9604, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो अंडर रूट 9604 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, यही नंबर होगा, बस हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम लिख दीजिए 2, एक 2 कमी तो वो लिख दिया, कितने हैं, 4 7 है, ठीक है। अब पेयर बनाइए, 1 2 3, ठीक है, तो क्या है हमारा, 2 × 7 × 7, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 98, ठीक है, तो 98 हमारा आंसर है। इसके दो आंसर्स हैं, एक है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था और स्क्वायर रूट कितना आया, 98।